Hey, welcome to an overview of Helium 10 in the Urdu language with Lailama Hasan from Helium 10. So I'm going to pass the microphone to Lailama right now and enjoy the overview. Shukriya. Assalamu alaikum ji, mera naam hai Lailama Hasan aur main Helium 10 mein brand evangelist hoon. Aaj main aapko Helium 10 ke tools ke baare mein ek overview dena chahti hoon. To aaiye Helium 10 ke dashboard par jaate hain. तो जैसे ही आप टूल्स पर क्लिक करेंगे आपको एक मेन्यू नज़र आ जाएगा और उसमें हमारे हीलियम 10 के सारे टूल्स आपको नज़र आएंगे. हमारे पास प्रोडक्ट रिसर्च से लेके ऑपरेशंस तक के तमाम टूल्स आपको दस्तियाब होंगे और इसको आप अपने अमेज़ॉन बिजनेस के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल कर सकते हैं. तो हमारा पहला सेक्शन है प्रोडक्ट रिसर्च, जिसके नीचे आता है ब्लैक बॉक्स. ब्लैक बॉक्स एक प्रोडक्ट रिसर्च टूल है जो कि जिसमें आप मुख्तलिफ फ़िल्टर्स इस्तेमाल कर सकते हैं और वो आपकी उन फ़िल्टर्स की ज़रूरत के मुताबिक आपको प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई करेगा. इसके बाद आता है ट्रेंडस्टर, जो कि आपको ये बताएगा कि ये प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन और गूगल पर कितनी मशहूर है. माई लिस्ट में आप उन प्रोडक्ट आइडियाज़ को सेव कर सकते हैं जो कि आप ट्रैक करना चाहते हैं और माई लिस्ट उन प्रोडक्ट्स के बारे में आपको मुख्तलिफ किस्म का डाटा फराहम करेगा, मसलन सेल्स, रेवेन्यू, प्राइस वग़ैरह. अब आता है कीवर्ड रिसर्च सेक्शन. तो सरीब्रो को इस्तेमाल करते हुए आप 20 एसेंस तक डालकर देख सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट और आपके कंपेटिटर के प्रोडक्ट्स की इस वक्त अमेज़ॉन पर क्या रैंकिंग है. अब हम आते हैं मैग्नेट पर, जो हमारा एक दूसरा कीवर्ड रिसर्च टूल है. ये आपको सर्च वॉल्यूम हिस्ट्री और बहुत सी और मालूमात एक या एक से ज़्यादा कीवर्ड्स में देगा. ये आपके सिंगल वर्ड कीवर्ड रिसर्च को मुकम्मल करने के लिए एक बहुत बेहतरीन टूल है. इसके बाद आप मिसपेलिनेटर इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपको वो कीवर्ड्स नज़र आएँ जिनकी स्पेलिंग गलत होगी लेकिन आपके प्रोडक्ट्स के लिए इंतहाई रेलेवेंट है. वो कीवर्ड्स जिनके स्पेलिंग गलत हैं आप अपनी लिस्टिंग के बैकएंड में इस्तेमाल करेंगे और इस तरह अमेज़ॉन इन कीवर्ड्स के लिए आपके प्रोडक्ट को इंडेक्स कर लेगा. अब आप माई लिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि माई लिस्ट माई प्रोडक्ट्स इस वाले टूल की बहुत सिमिलर हैं, उसकी तरह है काफ़ी, सिवाय इसके कि आप यहाँ पर तमाम मतलूबा कीवर्ड्स और कीवर्ड फ्रेजेस को सेव कर सकते हैं. तो ये वाला प्रोडक्ट्स के लिए है, आइडियाज़ के लिए है, और ये माई लिस्ट कीवर्ड्स कीवर्ड्स को सेव करने के लिए है. अगला सेक्शन मार्केटिंग है. इस सेक्शन में हमारे पास एटॉमिक टूल है जो कि एक PPC टूल है जो आपको PPC कैंपेन्स बनाने में, मैनेज करने में और ऑप्टिमाइज़ करने में मदद करता है. इस सेक्शन में दूसरा टूल पोर्टल्स है जो कि बुनियादी तौर पर आपको अमेज़ॉन बिजनेस के लिए लैंडिंग पेज बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके और इस्तेमाल भी है जैसे कि आपके प्रोडक्ट इंसर्ट्स डिज़ाइन करना. इसके बाद आता है हमारा लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन सेक्शन, जो कि मेरा सबसे पसंदीदा सेक्शन है. इसमें हमारे पास फ्रैंकेनस्टाइन टूल है जो कि हज़ारों कीवर्ड्स को कम करके आपके मतलूबा कीवर्ड्स को एक मैनेजेबल शक्ल में ले आता है. अगला टूल स्क्रिबल्स है जो हम जल्द ख़त्म करने वाले हैं और इसकी जगह हम एक नया और बेहतर टूल लाए हैं जिसको हम लिस्टिंग बिल्डर कहते हैं, लिहाजा इसको फ़िलहाल हम स्किप कर देते हैं. अब हम इंडेक्स चेकर पे आते हैं. ये टूल देखेगा कि आया आप उन कीवर्ड्स के लिए इंडेक्स हुए हैं जिनको आप टारगेट कर रहे हैं. और इसके बाद आता है लिस्टिंग एनालाइज़र. लिस्टिंग एनालाइज़र आपको अपने और कंपेटिटर के लिस्टिंग्स के हवाले से मालूमात देता है ताकि आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट से बेहतर कंपेयर कर सकें. लिस्टिंग बिल्डर आपको मदद देगा कि आप अमेज़ॉन के रूल्स के मुताबिक अपनी फ्रंट एंड और बैक एंड लिस्टिंग कॉपी को लिख सके. इस टूल के साथ आप अपनी लिस्टिंग कॉपी को अमेज़ॉन के साथ डायरेक्टली भी सिंक कर सकते हैं.
और इस सेक्शन का आखिरी टूल है ऑडियंस, जो कि हमारा मार्केट फीडबैक टूल है, जो आपको अमेज़ॉन सेलर्स और बायर्स के का फीडबैक देता है. आप कंटेंट के किसी भी हिस्से की मुख्तलिफ वेरिएशंस पर इन अमेज़ॉन सेलर्स और बायर्स की राय ले सकते हैं. ये टूल आपको ये भी बताता है कि इन लोगों ने ये वेरिएशन क्यों चूज़ किया और कितने लोगों ने ये वेरिएशन चूज़ किया. और अगला सेक्शन हमारा है लर्निंग, जिसमें हम आपको कुछ सीखने के वसाइल दे रहे हैं. इसके अंदर आता है हमारा फ्रीडम टिकट, जो कि एक अमेज़ॉन FBA सेलिंग कोर्स है. A to Z आपको ये सिखाता है कि आप अमेज़ॉन पे कैसे सेल कर सकते हैं, कैसे प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं. सारा कुछ इसमें इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आपको एक्सप्लेन करते हैं. इसके बाद आते हैं हमारे प्रो ट्रेनिंग वीडियोस, जो कि इनफरादी वीडियोस हैं, जो आपको हमारे टूल्स के इस्तेमाल करने का तरीका सिखाएंगे. और एकेडमी हमारा एक इनडेप्थ ट्रेनिंग कोर्स है, जिसकी मदद से आप हीलियम 10 की तमाम टूल्स से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं. आगे बढ़ते हुए हमारे पास एनालिटिक्स सेक्शन है, और हमारा पहला टूल कीवर्ड ट्रैकर है, जो आपको अपने और अपने कंपेटिटर्स के प्रोडक्ट के हवाले से कीवर्ड्स को ट्रैक करता है. आप इस टूल में अपनी रैंकिंग पोजीशन को देखने के साथ साथ अपने कंपेटिटर्स की रैंकिंग पोजीशन को भी देख सकते हैं. मार्केट ट्रैकर आपको दिखाएगा कि आप जिस नीश को ट्रैक कर रहे हैं उसके अंदर आपका कितना बड़ा शेयर है, उस शेयर की डॉलर वैल्यू क्या है, और आपके शेयर की एस्टिमेटेड कीवर्ड सर्च वॉल्यूम क्या है. और प्रॉफिट्स एक फाइनेंशियल एनालिटिक्स टूल है, जो आपको आपकी बिज़नेस का फाइनेंशियल जायज़ा देता है, आपके एक्सपेंसेस, रिटर्न्स, रिफंड्स और प्रॉफिट मार्जिन्स क्या है. और हमारा आखिरी सेक्शन ऑपरेशन सेक्शन है. इसके नीचे हमारे पास अल्टा बाय हीलियम 10 एक फाइनेंशियल सॉल्यूशंस टूल है, जो कि आपको मुख्तलिफ फाइनेंशियल सॉल्यूशंस देता है, जैसे कि अगर आपको सप्लायर्स को फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी हो या आपको क्रेडिट लाइन की ज़रूरत है, तो आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं. और अलर्ट्स टूल एक हाईजैकिंग और प्रोडक्ट मॉनिटरिंग टूल है हमारा. तो जब भी कोई आपकी लिस्टिंग को हाईजैक करे या आपके प्रोडक्ट्स के बारे में कोई भी मशकूक काम हो रहा हो, तो अलर्ट्स टूल आपको बाकायदा इन्फॉर्म करेगा. और इन्वेंट्री प्रोटेक्टर उन सेलर्स के लिए है जो अपनी प्रोडक्ट्स पर किसी किस्म की प्रमोशन या डिस्काउंट देते हैं. तो ये आपके बायर्स के कूपन का के गलत इस्तेमाल से आपकी हिफाजत करेगा. और रिफंड जीनी हमारा एक रीइंबर्समेंट असिस्टेंस टूल है. लिहाजा अगर आपका आपकी कोई इन्वेंट्री आइटम अमेज़ॉन से गुम हो गई हो या डैमेज हो गई हो, तो आप इस टूल से रिपोर्ट्स लेकर उसकी बुनियाद पर अमेज़ॉन से रिफंड्स ले सकते हैं. फिर आता है इसके बाद फॉलो अप टूल, जो कि आपके अपने कस्टमर्स को ऑर्डर देने के बाद ऑटोमेटिक या ऑटोमेटेड ईमेल भेजने में मदद करता है. हमारा आखिरी टूल है इन्वेंटरी मैनेजमेंट, और ये आपको आपकी फ्यूचर ऑर्डर्स के हवाले से फोरकास्ट देता है, आपके सप्लायर से आपकी परचेज ऑर्डर्स मैनेज करता है, और यहाँ तक कि FBA या नॉन FBA इन्वेंटरी को ट्रैक करने भी मदद करता है. और अब आते हैं हीलियम 10 के प्लान्स के ऊपर. जैसे ही आप प्राइसिंग क्लिक करेंगे उनके मेन वेबसाइट पर, आपको ये पेज नज़र आ जाएगा, और इसमें हमारे चारों मुख्तलिफ प्लान्स आपको नज़र आएंगे. पहला है हमारा स्टार्टर पैक, जो कि $29 पर मंथ पे है. फिर हमारा सबसे मशहूर प्लैटिनम प्लान है, जो कि $84 पर मंथ पर है. और फिर इसके बाद आता है डायमंड प्लान, जो कि $209 पर मंथ पे आता है. और आखिरी प्लान हमारा एलीट प्लान है, जो कि $399 पर मंथ पे आता है. अगर आपने चेक करना हो कि आपको
हर एक प्लान में कौन से फीचर्स अवेलेबल है और कौन से टूल्स अवेलेबल है, तो आप ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू बने हुए हैं उस पर आप क्लिक कर सकते हैं और इसमें आपको नज़र आ जाएगा कि हर एक टूल में आपको कितने यूजेस अवेलेबल हैं, कौन से टूल्स अवेलेबल हैं प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर, कीवर्ड रिसर्च के अंदर, सारों की इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल है। और अगर आप वोवा के फॉलोअर्स हैं तो आप वोवा का डिस्काउंट कोड भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको एक डिस्काउंट मिल जाए और वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। और वोवा के डिस्काउंट कोड्स है वोवा 10 और वोवा 50, ये दो डिफरेंट कूपन कोड्स हैं, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसको यहाँ पर एंटर करके अप्लाई प्रेस कर लें और आपके प्लान पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये सेशन आपके लिए काफ़ी मुफीद साबित होगा और आप अमेज़ॉन पर अपना प्रोडक्ट्स को बेहतर तरीके से बेच सकेंगे। इस वीडियो को देखने के बहुत बहुत शुक्रिया। Good luck or Allah Hafiz. And up here, you are going to have a playlist of Helium 10 tutorials that show you how to use different parts of Helium 10 in depth. Over 85 videos. So click here to check out more tutorials of Helium 10. And I wish you an awesome day. Shukriya. Thank you.